अखबार खोलो तनुश्री दत्ता, इंटरनेट खोलो तनुश्री दत्ता, टीवी खोलो तनुश्री दत्ता, अचानक हर जगह बस तनुश्री नजर आ रही है। अच्छा है कि कुछ बात हो रही है, अच्छा है कि लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये #MeToo का दौर है, वही MeToo कैंपेन जो अमेरिका के हार्वे वेंस्टीन के कारनामों को दुनिया में सामने लाने के साथ शुरू हुआ। अमेरिका समेत दुनिया भर में महिलाएं सामने आने लगी, आप बीती बताने लगी, सालों से दफन राज सर उठाने लगे। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ से हमेशा कम जो इन महिलाओं ने सही। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका के जिस MeToo कैंपेन पर हम दूर से ताली बजाते हैं, वो जब भारत में तनुश्री जैसे मामले के तौर पर सामने आता है तो हम बगले झांकने लगते हैं। वजह नंबर एक, समाज की सोच। हम डिजिटल हो रहे हैं, तकनीक की तेज रफ्तार बस में सवार होना चाहते हैं, लेकिन सोच अब भी वही जालों में उलझी हुई। तनुश्री का ही केस लें, कुछ लोगों ने समर्थन किया तो बहुतों ने ऐसा कुछ कहा जो एक सभ्य समाज में महिलाओं को लेकर खराब सोच को सामने लाता है। 10 साल पहले मुझे कुछ मालूम नहीं सर, 10 साल पहले तो मैं छोटा सा बच्चा था यार। ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटिल। I am not aware of this, my dear. If I am aware of this, let me know, let me understand what is happening. 10 साल कोमा में थी क्या तू? जब हजारों लाखों महिलाएं ऐसे बयान देखती हैं, तो उनके खिलाफ हुई नाइंसाफी को सामने लाने की उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वजह नंबर दो, पर्सनल पॉलिटिकल कनेक्शन। अक्सर लोग चेहरा देखकर तय करते हैं कि किसके बचाव में खड़ा होना है और किसके नहीं। तनुश्री मामले में नाना पाटेकर को लेकर भी यही हो रहा है। कभी उनके दिग्गज अभिनेता होने की दुहाई, कभी मराठी होने की, कभी MNS से नजदीकी की बात, तो कभी किसानों की मदद करने वाले एक दयावान की छवि। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, नाना पाटेकर मराठी एक्टर ही नहीं बल्कि वो देश और बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं। हम नाना पाटेकर को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे लगता है कि नाना पाटेकर की बात भी सुननी चाहिए। जी हाँ, महान बताने के बाद तो सुननी ही चाहिए। इस सब में लोग देखते ही नहीं कि जिसका बचाव कर रहे हैं उस पर कितने संगीन आरोप लगे हैं। नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के। तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले, रिस्पेक्ट कर। अरे थोड़ा धीरज रखो, आराम से। अच्छा एक्टर अच्छा इंसान होने की गारंटी नहीं होता, ना ही अच्छे पर्सनल पॉलिटिकल कनेक्शन क्लीन चिट की गारंटी। लेकिन अपने देश में आरोप से ज़्यादा ये देखा जाता है कि आदमी की पहुंच कितनी है और आरोप लगाने वाले की हैसियत कितनी। वजह नंबर 3, सोशल मीडिया। 2016 की एक्शन एड UK की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 73% महिलाओं ने पब्लिक प्लेस पर किसी न किसी तरह का उत्पीड़न या हिंसा सहा है, झेला है। MeToo जैसे कैंपेन ने महिलाओं को थोड़ी हिम्मत दी सोशल मीडिया के जरिए बात रखने की, लेकिन हमारे देश के इंटरनेट यूजर्स में सिर्फ 30% महिलाएं हैं। और अब तो बड़ा डिस्कशन और सोच सोशल मीडिया के सहारे बहुत हद तक तय होती है। जब महिलाओं को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं मिलेगा, तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोग ही हावी होते दिखेंगे जो इस सोशल मीडिया को हाईजैक कर सके, ये साबित कर सके कि तनुश्री जैसी महिलाओं की आवाज़ बेवजह है, गैर जरूरी है, और जिस पर आरोप है वो महान है, पाक साफ है। लेकिन सब कुछ इतना निगेटिव भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही महिलाएं हिम्मत जुटा रही हैं, अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफी को सामने ला रही हैं, और ये बदरंग तस्वीर उजली होने का भरोसा भी दिला रही है।